आज हम आपको विषय गणित में स्थानीय मान सिखाने जा रहे हैं। आप यहाँ ध्यान से दीजिए। सबसे पहले खंड लिखा है, खंड में आपके शतक, लाख, हजार और इकाई दिखाई दे रहा है आपको। स्थानीय मान में 10 लाख, लाख, हजार, 10 हजार, हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई इस तरह से लिखा हुआ। ऊपर हो गया आपके खंड और नीचे स्थानीय मान। स्थानीय मान जैसे हमारी संख्या लिखी है 975, हम इसको इसमें भर देंगे 5, 7 और 9। 975 ये इकाई खंड में आ गई। आपके इस इकाई खंड में 975। दूसरी संख्या है आपकी 8,457, इसे भरेंगे 8, 4, 5, 7। इसी प्रकार से तीसरी संख्या आगे के लिए बढ़ाकर लिख सकते हैं। अब सर्वप्रथम हमें सीखना है स्थानीय मान, तो खंड और स्थानीय मान यहां समझें। सबसे पहले ये फाइव है, आप यहां फाइव लिखते हैं, मल्टीप्लाई फाइव के ऊपर इकाई, इकाई का हाई सैकड़ा, तो इकाई है तो आप यहां बल लिखें, इकाई का ए, 5 एकड़, 5, 5 का स्थानीय मान हो गया केवल 5। 7 पर आते हैं, 7 को लिखते हैं 7 × 10, क्योंकि 7 दहाई के नीचे है, दहाई 10 की, 10 × 70, तो 7 का स्थानीय मान 70 हो गया। इसी प्रकार 9 को देखते हैं, 9 × 10 = 7, सैकड़े के स्थान पर 9 है, यहाँ आप 100 लिखें। इस प्रकार से ये 100 × 900 हो गया। इस प्रकार से आप स्थानीय मान लिख सकते हैं या सीख सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे हम विस्तृत रूप में लिखते हैं, तो विस्तृत रूप इसी का रूप है। सबसे हम पहले बड़ी संख्या ले लेते हैं 900 + 70 + 5, ये आपका विस्तृत रूप हो गया। 975 का विस्तृत रूप आपका इस प्रकार हो गया, क्योंकि ये इकाई और ये दहाई और ये सैकड़ा, 9 सैकड़ा, 7 दहाई और 5 दहाई, इस प्रकार से बनता है आपका विस्तृत रूप। अब आता है आपका संयुक्त रूप। संयुक्त रूप में, संयुक्त रूप में आप देखेंगे इसी को हम प्लस करके लिए देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लें 800 या 50 और 7, इसको अगर हम प्लस करके लिखते हैं